अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने OKX पे पहले भी वीडियो वगैरह बनाई हैं और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी है कि किस तरह से जो डिफरेंट टाइप के जो हो फ्रॉड हो रहे हैं वहाँ पे और बेगरती करते हैं। लॉगिन का फ्रॉड मैंने यहाँ पे कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। अभी कल भी फिर मेरे पास एक मैसेज आया लड़के का और उन्होंने कहा कि उनके साथ भी तकरीबन मेरे ख्याल शायद 15,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। अब देखें कि इसमें गलती आप लोगों की अपनी होती है। आप सबसे पहले तो देखें OKX, बाइनेंस, बायबिट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने डील करनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो अल्लाह का वास्ता है भाई, पहले यूट्यूब पर आया करें, दो चार वीडियोस किसी भी यूट्यूबर की देख लिया करें पी टू पी बेसिक्स के हवाले से, ताकि आपको पता चले कि बेसिक्स ट्रेडिंग होती कैसे है या पी टू पी पे आपने बाय सेल करने कैसे हैं। अगर आप वीडियोस वगैरह देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अब यहाँ पे भी इनके साथ फ्रॉड कैसे किया कि जी इन्होंने पेमेंट सेंड की, अगले बंदे ने रिलीज़ नहीं किया, कहा कि जी अपना व्हाट्सएप दें, इन्होंने इसको व्हाट्सएप दिया और फिर उसने कॉल की और कॉल में उन्होंने बातों में लगाया यार, और साथ मैसेज किया कि भाई यार वो रिलीजिंग में थोड़ा मसला आ रहा है, तो वो एक QR कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा और फिर जो रिलीज़ होगी। तो मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा था कि आपको समझा दूँगा ये कैसे करना है। अब इन्होंने भाई क्या किया कि जी वो QR कोड स्कैन किया तो इनका अकाउंट दूसरे बंदे के पास लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद अगले बंदे ने जो है वहाँ पे वो पेमेंट जी थी वो कैंसिल कर दी, यानी कि उसने ट्रेड कैंसिल कर दी। अब इन्होंने पेमेंट भी कर दी थी और फिर अगले के पास अकाउंट लॉगिन हुआ, उन्होंने ट्रेड कैंसिल की तो वो किस्सा ख़त्म हो गया। कैंसिल करने के बाद अगले बंदे ने जो है फिर वो जो ऐसे फ्रॉडी होते हैं हरामजादे, वो फिर पेमेंट जो है अपने वो कैश से निकाल के किसी और वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद जब इन्होंने डिस्प्यूट भी किया है तो डिस्प्यूट भी क्लोज़ हो गया। उसका रीज़न जो है OKX ने यही बताया कि जी अगले बंदे ने जो है पेमेंट यहाँ से फंड्स वगैरह निकाल लिए हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ उसके अकाउंट को लिमिटेड कर रहे हैं, बाकी मजीद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप लोग की अपनी गलती होती है, इस वजह से मसला होता है, क्योंकि एक दफ़ा देखें अगला बंदा आपके साथ फ्रॉड कर जाए, वो OKX से फंड्स वगैरह भी निकाल ले, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, OKX भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि OKX के पास तो फंड्स रहे ही नहीं। मैं यहाँ से फिर भी थोड़े से चैट वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अगर इस सूरत में अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और OKX भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये एक हल होता है कि जी आप पाकिस्तान में FIM में जाके रिपोर्ट वगैरह कर दें या किसी पुलिस वाले जाने वाले से जो है हेल्प लें, मदद लें और बात करेंगे यार कि वो थोड़ा आपका मसला हल करवा दें, तो बाद में इस तरीके से ही मसला हल हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। ये इन भाई साहब के मैसेज वगैरह आए कि जिनके साथ 15,000 रुपये का जो है वो फ्रॉड हुआ है, USDT वगैरह लिए थे। अब यहाँ पे अगर आप इस स्क्रीनशॉट को चेक करें, ये देखें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि योर कैंसिलेशन रीजन सेलर रिफंडेड मी एंड आस्क्ड मी टू कैंसिल, हालांकि उसने रिफंड नहीं किए थे, उस बंदे के पास अकाउंट लॉगिन हो गया था, उसने खुद ही जो है यहाँ पे ये रिफंड वाला रीज़न लगा के और ये कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे मजीद आ जाएँ, कुछ मजीद ये डिटेल्स वगैरह आपको शो हो रही हैं, ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद जब इन्होंने डिस्प्यूट वगैरह किया, ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ना रिलीजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रिलीज करने करता हूँ ना तो वो ऑर्डर का ऑथराइजेशन विद स्कैनर मांग रहे हैं, तो इसलिए कॉल कर रहा था आपको कि आपको बता दूँ किस तरीके से करना है आपने। सही, अब ये देखें फिर जब इन्होंने डिस्प्यूट भी किया तो डिस्प्यूट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसको आप अगर क्लियरली पढ़ें ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे ये देखें ये लिखी हुई हैं। अब इसको कि अपॉन चेकिंग वी आर अनएबल टू फॉलो अप ऑन योर ऑर्डर इशू टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर एज दे हैव विड्रॉन द एसेट्स बिफोर द अपील वाज रेज्ड, यानी कि जो ऐसे हरामजादे फ्रॉडी होते हैं वो डिस्प्यूट वगैरह जैसे ही आपके साथ फ्रॉड करते हैं उसके बाद फौरन के फौरन ही अपनी जो पेमेंट है वो OKX से निकाल के दूसरे किसी वॉलेट पर ले जाते हैं, उसके बाद OKX जो है इस सिलसिले में आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अब नीचे आप देखें कि जी वी एडवाइज इन द फ्यूचर पेमेंट्स हैज़ बीन मेड, मेक श्योर दैट यू क्लिक पेड बटन टू अवॉइड ऑर्डर बीइंग कैंसिल्ड। अब यही लिखा हुआ है कि देखें अगर फ्यूचर में भी आप डील करते हैं तो एक तो ये कि आपने पेड के ऊपर लाजमी क्लिक करना होता है, ताकि OKX के सिस्टम को पता चल सके कि जी आपने पेमेंट कर दी है, पे कर दिया है, और उसके अलावा आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना होता। अब आपने खुद तो कैंसिल नहीं किया ऑर्डर, लेकिन अगले बंदे ने अपने अकाउंट को लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद उन्होंने जो है वहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अपने फंड्स भी निकाले, तो आप इस सिलसिले में आप कुछ नहीं कर सकते। OKX ऐप में ये देखें यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है ये फोर डॉट्स पे, और ये टॉप पे आपके पास इस जगह पे ये ऑप्शन है एक QR कोड यानी स्कैन करने का, तो आपने कभी भी इसके ज़रिए कोड को स्कैन नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो अकाउंट होता है वो लॉगिन हो जाता है दूसरे बंदे के पास, जिससे आपका अकाउंट समझिए कि हैक हो जाता है और फिर वो आपके अकाउंट से फंड्स वगैरह निकाल लेते हैं या कैंसिल डील कर देते हैं और आपसे फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये गलती जो है आप लोगों की होती है, बिगिनर होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत सीखेंगे, यूट्यूब वगैरह पर कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे, टाइम थोड़ा सा आपका ज़ाया होगा 1 घंटा 1.5, लेकिन कम से कम आपका जो है नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको बेसिक्स जो है इस चीज़ की समझ आ गई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।